नमस्कार। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो इसमें दिया है गिवन 15 कोट ए इक्वल 8, फाइंड साइन ए एंड सेकेंड ए। तो बेटा इसमें साइन ए और सेकेंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एच एच बी, और उसके बाद हम एक राइट एंगल बनाएंगे ए बी और सी, ये 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखो इसने क्या दिया है, 15 कोट ए, तो कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट ए यानी इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसने 8/15, तो कोट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, साइन कोस टेंजेंट कोसिकेंट सेकेंड और कोट, कोट क्या हो गया बी बाय पी। तो 8 क्या है, ये हमारा बेस और ये क्या हमारा परपेंडिकुलर, तो थीटा हमारा ये है, तो इसके सामने क्या होगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर, तो 15 और बेस क्या होगा जो इसके साथ में होता है 8, ठीक है। अब हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, किससे, बाय पाइथागोरस, ओके। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसी स्क्वेयर फिर एबी स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, तो AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे कैसे, और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 8, तो 8 का स्क्वेयर, BC की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वेयर, तो AC स्क्वेयर 8 का कितना होता है स्क्वेयर 64, 15 का इसको दो बार कर लेते हैं ऐसे करके, देखो करके देख लेते हैं, 5 5 जा 25 2 5 और 2 7, और ये 5 और 1 कितने हो गए 5 2 और 2, तो 225, ठीक है बेटा। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 8 और 2, तो एसी स्क्वेयर हमारा क्या आ गया 289। अब इस स्क्वेयर को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, इसे ही हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसका रूट, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बेटा, छठी क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक रूट निकालना नहीं आता उनको, तो हम रफ में समझ लेते हैं कि रूट कैसे निकालते हैं, 289, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेयर बनते हैं, पेयर कहाँ से बनते हैं, यहाँ से बैक से पीछे से, ठीक है। अगर पॉइंट होता तो आगे से, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता तो ये पेयर बनता, तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे 89 पेयर में, और 2 ये अकेला रह गया, तो अब हमें जो यहाँ पे हम डिजिट लिखेंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे छोटा, ठीक है। अगर मैं 2 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 2 2 जा 4, ये बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 189। अब 1 और 1 जो भी यहाँ डिजिट होता है उन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो कितना आएगा 1 और 1 2। अब कुछ ऐसी संख्या हम लें, डिजिट लें, अब जो मल्टीप्लाई करने पर सेम आ जाए, तो कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, तो 7 7 जा 49, और 14 और 4 कितने हो गए 89, तो सेम आ गया हमारा, कितना आ गया 189, कितने पे लिया हमने 7 पे, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 7, ये ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा रूट आ गया है कितना 17, इसको बार बार एक रिपीट करके देख लेना समझ में आ जाएगा, तो कितना आ गया 17, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब बिल्कुल आसान है, हमारे पास तीनों चीज आ चुकी हैं, तो साइन ए, तो साइन ए कितना होता हमारा पी बाय एच, और सेकंड थीटा क्या होता है सेकंड ए एच बाय बी, एच बाय बी, तो पी क्या हमारा 15 और एच क्या हमारा 17, ठीक है। अब एच हमारा क्या है 17 और B क्या हमारा 8, ये हमारे दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। थैंक यू।